नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की कुछ सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंटेंट की भर्ती निकली है, तो उसी के संबंध में हम जानकारी देने वाले हैं कहां कहां पर भर्ती निकली है, ठीक है, कौन कौन से संभाग में भर्ती निकली है और कौन कौन से पद यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते ताकि वहां पर भी आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं GFMS पोर्टल पर, गेस्ट फैसिलिटी पोर्टल पर आ चुके हैं। इसकी लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डिवीजन सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपना डिवीजन सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग दो यहाँ पर जो डिवीजन है के लगभग यहाँ पर 10 डिवीजन है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं नर्मदापुरम डिवीजन में, तो यहाँ पर हम अपना कैप्चा फिल करते हैं, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर हम जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने पूरी पोस्ट निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट में भी जो है वो है वैकेंसी, तो हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमने आज आपको बताया कि अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंटेंट के लिए टोटल 15 पद हैं, ठीक है, और वर्किंग जिसमें से सभी 15 के 15 पद खाली है। वैकेंसीज कितने पर निकली है, टोटल 15 पर निकली है। गेस्ट के लिए केवल 4 पोस्ट हैं अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी 15 पद हैं। यहाँ पर वर्किंग भी 0 है, इसलिए टोटल 15 पोस्ट हैं जिसमें से 5 गेस्ट फैसिलिटी के लिए, गेस्ट वैकेंसी के लिए। देखिए हम दूसरा जिला भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम भोपाल कर लेते हैं। भोपाल के सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर कैप्चा फिल करना पड़ेगा, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर व्यू पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर अकाउंटेंट की 56 पोस्ट है जिसमें से गेस्ट के लिए 6 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 62 है जिसमें से गेस्ट के लिए 7 पोस्ट हैं। दोस्तों इस भर्ती को अभी आउट किया गया पर इसमें अभी भर्ती हो नहीं रही है क्योंकि आपको कुछ दिनों तक वेट करना पड़ेगा। जैसे ही इसमें कोई अपडेट आता है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अपडेट दे देंगे, तो आप बस तैयार रहिए अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर, क्योंकि यहाँ पर यह भर्ती जैसे ही आपको निकलती है CM राइज स्कूल में तो हम आपको बिल्कुल जानकारी यहाँ पर दे देंगे। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रही है तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको GFMS सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने सबसे पहले जो अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली आ जाएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा, गेस्ट फैसिलिटी पोर्टल। यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, उसके बाद यहाँ पर अतिथि शिक्षक हेतु ये आपको ऑप्शन देख रहा संभावित रिक्तियां, इसमें स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको CM राइज स्कूल की रिक्तियां दिखेगी, तो हमें जिले बार पर क्लिक कर देना। तो हम जिले बार पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस तो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिर से फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर देते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। व्यू वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वैकेंसी जो निकल कर आ चुकी है, तो हरदा में जो है वो अकाउंटेंट की है 3 पोस्ट, ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी कितनी है 3 पोस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी स्कूल में है 3 पोस्ट हरदा जिले में, कौन कौन से स्कूल में है, तो आप स्कूल बार भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्कूल बार का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्कूल बार पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस तो होने लगेगा। अगर आपको डाइस कोड याद है तो यहाँ पर आपको स्कूल का डाइस कोड एंटर करना है, कैप्चा फिल करना है और जानकारी देखे पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जो अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती वो सभी स्कूलों में नहीं निकली है, कुछ ही स्कूलों में निकली है, तो उसका अगर आपको आसपास के कोई आपके पास CM राइज स्कूल है तो उसका आप यहाँ पर डाइस कोड लिखकर सर्च कर सकते हैं कि उस जिले में वैकेंसी है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।